नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। सरदार शहर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर आगामी 5 दिनों तक उपखंड कार्यालय द्वारा नगर पालिका बंद का आदेश जारी हुआ है। साथ ही नगर पालिका के सभी कर्मचारियों की जाँच एवं होम आइसोलेशन में रखे जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने एवं नगर पालिका परिसर को पूर्णतया सैनिटाइज किए जाने का आदेश भी जारी हुआ है। हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उनके ड्राइवर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में वही है, एक बार एहतियातन CCC में भर्ती कराया गया, बाकी सैंपलिंग के बाद पता लग जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण के बचाव हेतु यह निर्णय लिया गया है तथा संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने एवं इसके बचाव हेतु फिर एक बार उचित उपाय एवं प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतनी जरूरी हो गई है। वहीं नगर पालिका के पास ही तहसील कार्यालय है, जहां पर भी हजारों व्यक्ति रोजाना अपने काम से आते हैं। ऐसे में वहां पर भी विशेष सावधानियां रखने की विशेष आवश्यकता है। कल शाम को 2 कर्मचारी जो है नगर पालिका के पॉजिटिव पाए गए। क्योंकि नगर पालिका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है और यहां पब्लिक डीलिंग काफ़ी रहती है, तो संक्रमण ज़्यादा ना फैले इसलिए एहतियातन हमने एक बार 5 दिन के लिए नगर पालिका में पब्लिक डीलिंग बंद कर दी है। सभी कर्मचारियों की आज हम सैंपलिंग करवाएंगे और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको कोविड केयर सेंटर में करवा देंगे भर्ती, और नहीं आते हैं तो उनको एक बार होम आइसोलेशन कम से कम एहतियातन वो रखें। कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा तो ऑनलाइन जो है उसको कर दिया जाएगा, बट पब्लिक डीलिंग जो है एहतियातन आम जनता के लिए आगामी 5 दिवस के लिए बंद की गई। जिला मुख्यालय पर आज वीर तेजाजी वेलफेयर फाउंडेशन के बीकानेर संभाग के अध्यक्ष शिवलाल सिहाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कई दिनों से जिले भर में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, अतः हमारी प्रशासन से मांग है कि किसानों की फसलों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा छिड़काव कर इन टिड्डी दल को नष्ट करें। बीकानेर संभाग के चारों जिलों में लगातार टिड्डियों का आगमन हो रहा है, इससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। किसान है वो बहुत ही संकट की स्थिति में है। हम वीर तेजाजी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर चूरू के आसपास के क्षेत्र के काफ़ी जागरूक किसान हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम नियंत्रण करने के लिए किसानों की भरपूर मदद करेंगे और जहाँ भी टिड्डी हो उसका मैसेज तुरंत कलेक्टर साहब के नंबरों पर दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जूनराम सिहाग है, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मोली सरपड़ा हूँ। वहीं राजल देसर के आसपास क्षेत्र में फैले टिड्डी दल से भी किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कस्बे में आज सुबह फिर से टिड्डी दल को देखा गया है। क्षेत्र के किसान टिड्डियों के आतंक को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को समय रहते इन टिड्डियों को नष्ट करना चाहिए, वरना किसान की सारी फसलें चौपट हो जाएगी। राजल देसर के आठवीं पश्चिमी रोई साइड में करीब 2-3 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल ने हमला किया, जिसका हमने प्रशासन का अवगत कराया तो प्रशासन ने यह कह के मुंह मोड़ लिया कि रात के पड़ाव के समय टिड्डी दल पे इस तरह से काबू पाया जा सकता है। आज किसान स्वयं खेतों में अपने खेत खलियानों में टिड्डी से लड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में और केंद्र सरकार ये सत्ता के पाने के चक्कर में व्यस्त है, जबकि राज्य सरकार द्वारा लगातार बिजली बिल के दरों को बढ़ाना एक चिंता का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने भी क्षेत्र में टिड्डी दल की वजह से फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गोदारा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक है, जिसके चलते रतनगढ़, बीदासर, सुजानगढ़ के कई गाँव में बाजरा, मोठ, मूंगफली, तिल आदि फसलों को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रभावित किसानों को सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। आज मैं जिला कलेक्टर महोदय चूरू से मिला और मैं तहसील रतनगढ़, बीदासर और सुजानगढ़ में टिड्डी दल द्वारा भारी प्री मानसून के दौरान जो बाजरी, मोठ और ग्वार और मूंग कास्त किए उनको नष्ट कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि विशेष क्षेत्र का मूंगफली और नरमा को पूर्णतया नष्ट कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिख भेजा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से स्वयं मिला और उनसे मांग की कि तत्काल टीम बनाई जाए, इसका सर्वे कराया जाए और किसान कोरोना के समय में बहुत परेशान है और इतना नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान बीदासर में हुआ है, उसके बाद सुंदरगढ़ में हुआ है, अरे पूरे जिले में हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टिड्डी दल लगातार आ रहे हैं और अब आने वाले टिड्डी दल को सीमा पर रखा जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री।
बनिया माने जिला कलेक्टर को निवेदन किया है कि प्रशासन और एग्रीकल्चर विभाग द्वारा हालांकि अच्छा ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन सड़क पर तरफ छेड़ ज्यादा नहीं बरती, इसलिए इस जहर की स्थिति बढ़ाई जाए और आने वाले दलों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम और प्लान तैयार किया जाए। ये मैं जिला मुख्यालय पर आज निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सारण के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे व राज्य सरकार द्वारा सरचार्ज के नाम पर 28 पैसे प्रति यूनिट राशि वसूलने का विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चूरू जिले में हर घंटे अघोषित विद्युत कटौती हो रही है जिससे आमजन परेशान है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा व नगर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो शहर में बार बार कटौती हो रही है, घोषित कटौती है, रात को भी लाइट ट्रैपिंग, जिसके कारण आमजन को परेशानी हो रही है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और साथ ही जो 28 पैसे सरचार्ज लगाया है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि वो जो सरचार्ज लगाया है इन परिस्थितियों में जब बिजली पूरी नहीं दे रहे हैं, ट्रिपिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उस सरचार्ज के खिलाफ और ट्रिपिंग और लाइट कटिंग जो कट कर रहे हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत जी, इनके नेतृत्व में हम सब ने ज्ञापन दिया है। चूरू के निकटवर्ती गांव घंटेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में RCHO डॉक्टर सुनील जादू की प्रेरणा से केंद्र प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी का PG रेडियोलॉजिस्ट में चयन होने पर आज केंद्र में CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा, RCHO डॉक्टर सुनील जादू व BCMO डॉक्टर एहसान गोरी आदि ने 20 पौधे लगाकर पौधरोपण किया। इस अवसर पर CMHO ने कहा कि पौधरोपण करने से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पौधा लगाना चाहिए। आज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घंटेल में अपने MYC चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी और इनके परिजनों की तरफ से जो एक पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने जिले में ये टारगेट ही होता है क्योंकि भाई हर कल जो आमजन है वो 22 लाख पॉपुलेशन है, तो हर आदमी एक पौधा लगाए और उसको अपने गोद ले तो अपने चूरू शुष्क क्षेत्र में आता है तो आने वाले दिनों में क्योंकि ये ग्रीन जोन में आ सकता है, इसलिए अपने को ये प्रण लेना चाहिए। क्योंकि मैं अभी यहाँ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और स्टाफ की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ जितने पौधे लगे हैं हर कर्मचारी इसको गोद ले, जो कर्मचारी इस एक एक पौधे को गोद लेगा तो अपने बच्चे की तरफ उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पानी डालना हो, उसके कोई संरक्षण की हो तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ताकि एक एनवायरनमेंट स्वस्थ रहे तो अपने को अच्छे से सब माइंड भी स्वस्थ रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इसी चीज़ को आगे आने वाले डॉक्टर्स, आगे आने वाले स्टाफ, गांव वाले भी थोड़ा प्रेरणा दे सके कि हाँ भाई हमको ये करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट के लिए, अपने हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मैं डॉक्टर नेहा चौधरी प्रिंसी घंटे से आज ही हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिया। राजल देसर की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज VIP कंपनी एवं युवा अनस्टॉपेबल संस्था अहमदाबाद के संयुक्त सौजन्य से विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को राशन किट व सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद प्रजापत ने संस्था के प्रतिनिधि का आभार जताया। इस मौके पर पवन जैन, कुलदीप सिंह, अभिषेक चौधरी व गोपेश देसाई सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। हाँ, यहाँ पे हमारी NGO का नाम है युवा अनस्टॉपेबल, जो 2005 से काम कर रही है। वो गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब बच्चे जो लोग आते हैं उसे स्कूल में हम लोग सैनिटेशन यानी कि गर्ल्स बॉयज़ का सैनिटेशन सेपरेट बनाते हैं, फिर ड्रिंकिंग एरिया, डिश वॉशिंग एरिया और फिर पीने के लिए पानी जो स्वच्छ है, जो RO वाला पानी आता है, वो हम लोग उनको स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में उन लोगों को सारी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने 2005 से स्टार्ट किया है सब काम करने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग जो भी स्कूल होती है उसमें स्मार्ट क्लास यानी कि स्मार्ट क्लास और गूगल फीचर क्लासरूम भी हम लोग बनाते हैं। क्या होता है बच्चे उसमें बच्चे नई टेक्नोलॉजी से वो लोग पढ़ सकते हैं। अभी तो क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में सब जगह पे आप लोग देखोगे प्राइवेट स्कूल में तो प्रोजेक्टर होता है, सब सारी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों को बच्चों ने कभी देखा भी नहीं होता कि कंप्यूटर हम लोग कैसे चला दें। आज हम लोगों ने बहुत सारी पेन इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं।
हम लोग आज वीआईपी बैग्स द्वारा हम लोग यहाँ पे राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 450 के आसपास बच्चों को हम लोगों ने वीआईपी बैग्स द्वारा हम लोगों ने राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर में जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो वीआईपी युवा अनस्टॉपेबल कंपनी है अहमदाबाद की, जिसके द्वारा विद्यालय में पूर्व में भी काफी कार्य करवाया गया है, जिसमें से एक स्मार्ट रूम का निर्माण करवाया गया, छात्राओं के लिए यूरिनल और टॉयलेट का निर्माण करवाया गया और पेयजल व्यवस्था सही की गई, मंच पर टीन शेड बनाया गया। और इसी जो ये एनजीओ है, ये जो कंपनी है वीआईपी यू अनस्टॉपेबल, जिसके द्वारा अब 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बच्चों को राशन किट का वितरण किया जा रहा है। तो मैं इस वीआईपी यू अनस्टॉपेबल कंपनी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। 9 होमवर्क, 9 लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजलदेसर के परसनेऊ धाम में संत अखाराम दादूजी महाराज के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष लगने वाला मेला इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते नहीं लगाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है। इसी के तहत संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अतः हमारा सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि जन्मोत्सव के अवसर पर वह अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली व उन्नति की कामना करे। जय श्री बालाजी की, जय श्री दादू जी। परसनेऊ धाम में दादूजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो जन्मोत्सव का मेला लगता है, वो मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते रद्द कर दिया गया है। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सभी भक्त अपने घर में रहकर दादूजी महाराज की ज्योत करें और दादूजी महाराज से यही प्रार्थना करें कि इस महामारी को जल्दी जल्दी दूर भगाएं। सरदारशहर में आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर वन संरक्षण एवं पर्यावरण समिति सरदारशहर की अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका सैनी के सानिध्य में शहर के वाल्मीकि मोहल्ले में स्थित बगीचे में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मोनिका सैनी ने पर्यावरण बचाने हेतु पेड़ पौधे की महत्वता बताते हुए इन पेड़ पौधों की नियमित देखभाल करने की भी जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य जन भी मौजूद रहे। राजलदेसर कस्बे की टीम कामधेनु सेना के द्वारा आज सरदारशहर तहसील के साजनसर गांव में राज्य पशु ऊंट के साथ हुई घटना के विरोध में थाना अधिकारी तेजवंत सिंह को ज्ञापन सौंपा। चूरू SP के नाम सौंपे गए ज्ञापन में इस मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में टीम के सदस्य मौजूद रहे। सादुलपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार से 160 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने शहर में रेलवे स्टेशन के पास एक क्रेटा कार को रोककर गाड़ी में सवार तीनों युवकों से पूछताछ की तो तीनों युवक घबरा गए। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में स्मैक मिली। ये कल रात को दौराने गश्त एक हरियाणा नंबर की क्रेटा कार थी जो राजगढ़ कस्बे के अंदर स्टेशन रोड पे पाई डाउट के आधार पे उसको रोका गया। उसमें तीन लड़के थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, तब उनको चेक किया गया और उनके पास 160 ग्राम स्मैक मिली। ये तीनों लड़के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला क्षेत्र के रहने वाले। सर स्मैक काफ़ी कीमती है और ये आतन उसका कारोबार करते हैं, चित्तौड़ और दिल्ली से ला के अपने एरिया में सप्लाई करते हैं। इनका ये कहना है कि ये करीब 7-8 लाख रुपये में लेते हैं और उसको आगे 13-14-15 लाख रुपये तक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में सेल करते हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रतनगढ़ में पार्षद अमरचंद सैनी ने वार्ड संख्या 18 में लोगों को 500 मास्क वितरित किए। मास्क वितरण के साथ ही पार्षद ने बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि जब भी घर से निकले तो मास्क का प्रयोग करें तथा सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करें, तभी हम इस वैश्विक महामारी से जीत हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर संजय सारसर, सुनील मारोठिया, अनिल मेघवाल सहित अनेक युवा मौजूद रहे। रतनगढ़ में कल स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर परिसर में डॉक्टर आरएल चौधरी सेवा संस्थान की बैठक हुई। पूर्व प्राचार्य अंबिका प्रसाद हरित की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉक्टर आरएल चौधरी दंपति की 12वीं पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर एडवोकेट बजरंग गुर्जर ने बताया कि 26 जुलाई की शाम श्री परशुराम अतिथि भवन में पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस दौरान कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग की 2 प्रतिभाओं एवं लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कारमय वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर कृषि उपज मंडी के सामने रतनगढ़ रोड चूरू। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। ट्रेलर चालक की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा, वहीं मालगाड़ी को भी बीच रास्ते में रोकना पड़ा। मामला रतनगढ़ में चूरू आउटर सिग्नल के पास का है। घटना के अनुसार महाराष्ट्र से पशु आहार भरकर एक ट्रेलर रतनगढ़ आया हुआ था। शहर के एक व्यापारी के यहाँ कुछ माल उतारकर वह तहसील के गांव बीरमसर जा रहा था कि आउटर सिग्नल पर चूरू से सुजानगढ़ की तरफ से जा रही मालगाड़ी के आने की सूचना पर गेटमैन ने फाटक को बंद किया। फाटक बंद होने का जैसे ही सायरन बजा तो ट्रेलर चालक ने फाटक को क्रॉस करने का प्रयास किया। इस दौरान रेलवे का बैरियर भी टूट गया। रतनगढ़ की ग्राम पंचायत नौसरिया के दर्जनों लोगों ने वर्षों से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद स्थापन का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रतनगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पद स्थापित ग्राम विकास अधिकारी एवं ई मित्र संचालक को हटाने की मांग को लेकर BDO दिनेश चंद्र मिश्रा को ज्ञापन दिया। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि 15 दिनों में इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को शिकायत की जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज नौसरिया ग्राम पंचायत के कुछ नवयुवक नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर के मिले हैं और उन्हें ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के लिए और शौचालय नहीं बने हुए नरेगा कार्यों के अंदर अनियमितता की शिकायत की है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि कमेटी से जांच करवाएंगे, ग्राम सेवक जांच है
ईमित्र वाले की भी शिकायत की उन्होंने, तो ईमित्र के लिए हम DYT के प्रोग्रामर उसको भेज करके जाँच करेंगे, यदि ईमित्र वाला गड़बड़ कर रहा है तो इनको कहेंगे जाँच करवा करके जो भी समुचित कार्रवाई होगी कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। जन कल्याण के कार्यों में अपने धन का सदुपयोग सबसे बड़ा पुण्य है तथा प्रवासी दानदाता इस प्रकार के पुनीत कार्यों से निरंतर प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हैं। ये विचार उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने उपकारागार रतनगढ़ में जालान जन कल्याण ट्रस्ट कोलकाता द्वारा निर्मित नलकूप निर्माण पट के अनावरण अवसर पर व्यक्त किए। इस मौके पर फोरम के जिला उपाध्यक्ष कुलदीप व्यास ने दानदाता परिवार द्वारा शिक्षा व समाज सेवा क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। मानते हैं कि जो रतनगढ़ है वहाँ के भामाशाह हमेशा से ही प्रशासन का और जो रतनगढ़ है उसकी मदद करते आए हैं। कोरोना महामारी के वक्त भी जो कलकत्ता में बैठे भामाशाह हैं, मुंबई में बैठे भामाशाह हैं, उन लोगों ने बिना कुछ सोचे रतनगढ़ के लिए अपना तन मन धन से सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो देते रहें। आज इसी कड़ी में यहाँ जेल परिसर के अंदर जो नलकूप है उसको शुरू कराया है जो जालान जी हैं उन्होंने, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वहीं रतनगढ़ में आज उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी का रतनगढ़ से स्थानांतरण होने पर उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अभिनंदन करते हुए भावपूर्वक विदाई दी गई। डॉक्टर सैनी के आवास पर उनका अभिनंदन करते हुए प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास व स्काउट गाइड संघ के उप प्रधान भरत गोड़ ने अभिनंदन पत्र भेंट किया तथा BG सेल्स कॉरपोरेशन के भरत गोदारा ने शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। रतनगढ़ में आज शहर के विभिन्न संगठनों ने तहसीलदार फारूक अली के माध्यम से मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की। रतनगढ़ थोक फल व सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष मूलचंद सिंधी, विश्व रक्षक नायक सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार नायक, पार्षद प्रतिनिधि जाकिर हुसैन द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि लोहा के स्थान पर रतनगढ़ में बापूनगर स्कूल को स्थानांतरित किया जाए। इस मौके पर वेद प्रकाश पवार व शहर काजी मोहम्मद इस्माइल सहित अनेक लोग मौजूद थे। निदेशक जी, शिक्षा विभाग ने 19/5/20 को बापू नगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल को प्रस्तावित किया गया था, परंतु 8/6/20 को ग्राम लोहा को रूपांतरित कर दिया गया, जो कि रतनगढ़ तहसील के साथ अन्याय किया गया है। प्रदेश में प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों को रूपांतरित किया गया है, जबकि बापूनगर माध्यमिक होते हुए भी प्रस्तावित कर नाम काट कर ग्राम लोहा को रूपांतरित किया गया है, जो कि नियमों विरोधाभास सामने आ रहा है। अतः माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि बापूनगर वाल्मीकि बस्ती को ही अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल रूपांतरित करने की कृपा करें। सुजानगढ़ के मांडेता स्थित लोक देवता भूमिया जी महाराज की पूजा अर्चना कर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया ने क्षेत्र में अच्छी बरसात, फसल व खुशहाली की कामना की। इस मौके पर माटोलिया ने बताया कि हम हर साल इसी तरह से पूजा अर्चना कर भूमिया जी महाराज से क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सुषमा रकावत व सरोज भामू सहित अन्य महिला शक्ति मौजूद थी। ये था आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा, विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम
विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर कृषि उपज मंडी के सामने रतनगढ़ रोड चूरू। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग।